गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और आज के व्लॉग में। टन टन, तो मैं आज आ रखी हूँ विक्टर वेज में। तो पहले हम जो शुरुआत करेंगे, जाएंगे हम गणपति बाबा के पास और उनके करेंगे चरण स्पर्श। चलते हैं गाइस, हम एंट्रेंस लेते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ से जाने का रास्ता, और जो हमारे पतिदेव जी हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी कलाकारी यहाँ पे की गई है मूर्तियों को लेके। OMG, ये क्या है? गुफा। तो आज हम आ रखे हैं विक्टर वे। वाह, छोटा सा एलिफेंट, काफी अच्छा है इधर वेदर। गणपति बाबा की मूर्ति काफी अच्छी लग रही है। गणपति जी हैं वो अपनी जो बांसुरी बजा रहे हैं। ऑलराइट, काफी अच्छा लग रहा है इधर। ये आई कैन टच, वाओ। यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे वीणा बजा रहे हैं अपनी, जिसको हम ऐसे बजाते हैं आगे। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन्हें चरण स्पर्श कर लेते हैं सारे गणपति। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने अपने वो ले रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हैं। तो गाइस कमेंट करके बताइए जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं वो सही हैं, और जो एक रह गया था वो आप बताओगे। यहाँ पे हम नृत्य दिखाते हुए ऐसे ऐसे तो गाइज, नेक्स्ट वाला जो विजिट है वो है मेडिटेशन पाथ। तो हम यहाँ जाएंगे अंदर। तो ये अंदर से दिखने में पूरा ऐसा है कि मतलब पूरा फॉरेस्ट की तरह, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को काफ़ी रिलैक्स देते हैं। सर आप देख सकते हो यहाँ का रास्ता कैसा है, एकदम जैसे लग रहा है, काफ़ी जैसे लग रहा है कि हम जंगल में जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग इधर जाते हैं विजिट करने के लिए और अपना बैठ के आराम से मेडिटेशन करते हैं। तो गाइज आप ये देख सकते हो, ये काफ़ी हिस्टोरिकल मतलब पहले का है इसको।
पूरा फॉरेस्ट टाइप का लग रहा है, यू नो डिफरेंट एकदम। इसका जो वे है कि देख सकते हो आप, तो गाइस मॉर्निंग टाइम में आप इधर आओगे, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है इधर, और आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इधर जो हैं स्टैचूज बना रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे है ये वाला, और गाइज आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो ये पूरा ये एरिया है ये 9 हेक्टर प्रॉपर्टी में इंक्लूड है, और इसमें स्मॉल लेक्स मिलेंगे आपको देखने के लिए जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और ये जो फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट का पूरा एरिया है यहाँ पे। ये हैं स्टूपर्स, स्टोन माउंट्स के बने होते हैं ये स्टूपर्स, काफ़ी अच्छे हैं, नाइस। तो गाइज आप देख सकते हो कलाकारी काफी अच्छी की गई है यहाँ पे। ये है हमारी बुद्ध जी, ये भी है ना, ये है शिवा का, शिवा के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, और ये है शिव की मूर्ति आप देख सकते हो इधर। काफी अच्छी लेक है ये गाइस, देखा आपने ये दो लेक्स कितनी अच्छी अच्छी है, स्मॉल लेक्स, इट्स वेरी नाइस। इसमें लिखा हुआ है क्रिएट और डाई, one situation you have die and create, ये है एक प्रकार की फिंगर, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो इसके बारे में, बेसिक लॉ ऑफ लाइफ नेमली है इसमें, क्रिएट और डाई, ठीक है। जैसे जैसे देख ये ऐसे लोगों ने इसको पूरा पढ़ के ये एग्जीबिशन लगा रखी है यहाँ पे, शॉर्ट एग्जीबिशन जहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ हुआ इस साइड। कैसे कैसे जो यहाँ की मूर्तियाँ वो कैसे कैसे एस्टैब्लिश की होंगी ये सब यहाँ पे फोटोज में आपको दिख रहा है। ये जो गणेश जी की मूर्ति है वो इस प्रकार से एस्टैब्लिश की गई थी। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो है 250 यूरो, OMG, और इसका जो है प्राइस है इसका है 2000 यूरो। देख सकते हो कितना महंगा सामान है इस साइड। इधर से हम लेंगे एक छोटे से गणपति जी, गणपति नहीं है ये रहे हमारे गणपति जी।
ये परचेज किया है यहाँ पे छोटे से गणपति जी, और एक ये घंटी लिया मैंने, और यहाँ पे ये सामान है इधर सम कॉस्मेटिक का, ये है इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, ये ले ले, ये भी तो सही है। और यहाँ पे जो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी बॉक्स, तो आपने जो मनी है यहाँ पे वो करनी है, यहाँ पे रखनी है, उसके बाद आप ये जो भी आपने सामान लिया है आप वो ले जा सकते हो। यहाँ पे काफी अच्छा है, कुछ भी आप सामान लेके जा सकते हो यहाँ से, बट जो पेमेंट है आपको यहाँ पे करनी है, बट यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। सुना होगा इस, हम जा रहे हैं अपने घर की साइड, यहाँ से अब हो चुका है हमारा राइड कंप्लीट, और अब हम आ चुके हैं दोबारा से उसी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, या आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय बाय, सी यू।